कर दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइस, ये हमारा दूसरा सेट है जो कि बिहार एसआई, ईएसआईसी मेंस और सीडीपीओ, इन तीनों के लिए संयुक्त रूप से आ रहा है। इसमें आज 100 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। कट ऑफ इसका होगा 72 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। कमेंट करके अपने जो है स्कोर को डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कीजिए। अच्छा, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। मतलब निष्क काल में तो इसका योग एक आभूषण ज्वेलरी के रूप में होता था निष्क शब्द का, लेकिन परवर्ती काल में इस निष्क शब्द का उपयोग किस चीज के लिए होता था? तो देखिए, इसका जो यूज होता था वो होता था सिक्कों के लिए। ठीक है, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर टू, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? देखिए, सभा और समिति को जो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है ना, ये अथर्ववेद में कहा गया है। डी सही हो जाएगा। ठीक है, तीन नंबर देखते हैं, थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, थानेश्वर के वर्धन वंश का जो संस्थापक है वो था, देखिए, पुष्यभूति। सी हमारा सही हो जाएगा। चार नंबर देखते हैं, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कयादान गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो ये कारनामा किया था, देखिए, मूलराज सेकंड ने। सी इसमें से हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, पांच नंबर देखते हैं, बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की कौन सी विधि विकसित की गई थी? ऑप्शंस हैं नागर विधि, द्रविड़ विधि, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बेसर विधि और गोपुरम विधि। तो इनके द्वारा जो विकसित की गई जो विधि थी वो थी बेसर विधि। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छः नंबर, किस चालुक्य वंशी शासक ने अपना राजदूत फारस के शाह खुसरो के दरबार में भेजा था? तो फारस के शाह खुसरो के दरबार में जो भेजा था अपना जो राजदूत जिस शासक ने, वो था, देखिए, पुलकेशिन सेकेंड था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सात नंबर देखते हैं, किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुर को, जो एक समीपकालीन की राजधानी था, नष्ट किया? तो ये किया था, देखिए, राज राज फर्स्ट ने। ए सही हो जाएगा इनमें हमारा। आठ नंबर देखते हैं, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? देखिए, वो जो सुल्तान था वो था, देखिए, फिरोज शाह तुगलक, और इसने गुजरात के सूर्यधार झील का भी रिपेयर करवाया था जो कि मौर्य शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अब वो कमेंट करके बनाना है कि वो गुजरात का जो सूर्यधार जो झील है उसको किसने बनवाया था, जिसको फिरोज तुगलक ने रिपेयर करवाया। ठीक है, सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नौ नंबर देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद के दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो ये जो कहा है ये, देखिए, बलबन ने कहा है। ठीक है, सी ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बलबन ने जो है गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद दीवारों पर अपने ही शिलालेख में खुद को ही इसने खलीफा का सहायक कहा है। ठीक है, सिजदा पाबौस पर प्रथा यहीं लाया था, ध्यान रखें इस बात का। काफी क्रूर शासकों में से एक था बलबन। ठीक है, चलिए दस नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है, देखिए, पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, सोमनाथ को जीत कर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया? देखिए, इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक लिया था। इन सब से बचने के लिए महमूद गौरी जो है वो कहाँ से लौटा? कच्छ के रास्ते खाड़ी होते हुए लौटाइए। ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। 12 देखते हैं, निम्नलिखित में किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये जो खंडहर है, ये जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो है हम्पी के खंडहर। डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 13 नंबर देखते हैं, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना जो है ना, देखिए, ये काम किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी स्मृति में? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। इसका ये चचेरा भाई था और जिसका जो पेट नेम आप बोल सकते हैं जूना खान, इसका पेट नेम था, इसी के स्मृति में इसने जौनपुर नगर की स्थापना करवाई। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। 14 नंबर देखते हैं, चलिए, तुर्के चहलगानी कौन थे? देखिए, तुर्के चहलगानी जो है ना, ये 40 तुर्क अमीरों का एक समूह था जो कि कुलीन वर्ग से था, मतलब कि ये हायर क्लास के ये लोग थे और एक तरीके से इनको
किंग मेकर की भी उपाधि दी जाती है। तो तुर्के चहलगानी यही थे, तुर्क अमीरों का 40 तुर्क अमीरों का एक गुट था जिसको तुर्के चहलगानी कहते हैं। 15 नंबर, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो बेसिकली ऑप्शंस देख लेते हैं, मोहम्मद गौरी है, ठीक है, उसके बाद हमारा है अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए मोहम्मद गौरी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने ही अपने सिक्कों पर जो है ना देवी लक्ष्मी का चित्र बनवाया था, ठीक है, ताकि ये हिंदू का भी जो है ना, हिंदुओं का भी जो है ये सिंपति ले सके। चलिए 16, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? देखिए प्रथम अक्ता जो प्रदान किया था भारत में मोहम्मद गौरी ने, वो किया था देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, बी इनमें से हमारा एकदम सही हो जाएगा। 17, दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो बहमनी राज का संस्थापक था साउथ में, उसकी बात करें वो है देखिए हसन गंगू, ठीक है, बहमनी राज का संस्थापक हसन गंगू था साउथ में। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? देखिए इन दोनों के जीवन में ना मुख्य साम्य था वो था संसार दुखपूर्ण है, ये दोनों ही कहा करते थे, ठीक है, सी सही हो जाएगा। 19 देखते हैं, भारत में चिश्ती सूफी मत को स्थापित किया था किसने? तो इस मत को स्थापित किया, देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सूफी मत को स्थापित किया था, बी सही हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके लोकप्रिय बनाया? तो इन्होंने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था वो था देखिए असमिया लैंग्वेज, इसको यूज़ करके इन्होंने असमिया लैंग्वेज को लोकप्रिय बनाया था, ठीक है, शंकरदेव ने। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, क्या है देखिए, 13वीं और 14वीं शताब्दी के एक प्रधान सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया, किससे इनका रिलेशन है, किससे ये संबंधित है? देखिए इनका जो रिलेशन की बात करें वो देखिए चिश्ती सिलसिला से इनका संबंध है, ठीक है, ए सही हो जाएगा। 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान है? देखिए गुरु नानक का जो जन्म स्थान है इनमें से वो है देखिए ननकाना साहब, सी करेक्ट हो जाएगा। कमेंट करके आपको बताना है ननकाना साहब कहाँ पे है, ठीक है। 23 देखते हैं, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, भाई कब आया था ये? अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देखिए देवराय सेकेंड के राज्यकाल में, ठीक है, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 24 देखते हैं, जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? देखिए जौनपुर राज का जो अंतिम शासक था वो था हुसैन शाह, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया जौनपुर राज को बसाया था किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने, किसकी स्मृति में? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। इसी का नाम जो पेट नेम या बोलते हैं ना घर वाला जो नाम होता है वो क्या था, जूना खान था, इसी के याद में जौनपुर को बसाया गया। चलिए 25 देखते हैं, मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थानों को निम्नलिखित से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भाई साहब देखिए मस्जिद अल हरम के नाम से, ठीक है, ए सही हो जाएगा। 26 देखते हैं, लिपू लेख दर्रा कहाँ पे है? देखिए लिपू लेख दर्रा जो है, पहले ऑप्शन देख लें, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आ गया उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। देखिए लिपू लेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक है, ध्यान रखना है, सी हमारा सही हो जाएगा। 27 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है देखिए खंभात की खाड़ी, ठीक है, यहीं पे सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन होता है, सी सही हो जाएगा। 28 देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है भाई? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का जो समय है वो है मध्य जून से सितंबर के बीच में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए कोंकण तट किस के बीच फैला हुआ है? देखिए कोंकण तट का जो फैलाव है ये गोवा से मुंबई के बीच में इसका फैलाव है, बी सही हो जाएगा। 30 देखते हैं, सीसा का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है इनमें से? देखिए सीसा का जो महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है वो है भाई साहब राजस्थान, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 31 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो राज्य जो समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है भाई वो है गुजरात, सी सही हो जाएगा इनमें से, ठीक है। सॉरी 32 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? स्टेटमेंट से यहाँ देख लेते हैं, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है,
पश्चिमी घाट में अन्ना मुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है और नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। इसमें जो सही स्टेटमेंट हमारा है वो है, देखिए पहला वाला ए, ठीक है, पश्चिमी घाटी उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट एब्सोल्यूट करेक्ट है। 33 देखते हैं, कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में संचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो भारत में संचित क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा है भाई वो है उत्तर प्रदेश में, सी यहाँ पे एकदम ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं, भारत की पहली कागज मिल 1832 में स्थापित की गई थी, यह मिल कहाँ लगाई गई थी भाई? तो ये मिल जो है लगाई गई, देखिए पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में, ठीक है, भारत की पहली कागज मिल 1832 में स्टैब्लिश करी गई थी पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। बेसिकली इस टाइम में जो है पेपर प्रिंटिंग का काफ़ी काम हो रहा था पश्चिम बंगाल में, इसी के उद्देश्य से यहाँ पे इसको स्थापित करा गया था, खपत भी काफ़ी थी। 35 रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? देखिए रेल के डिब्बे जो है ना ये कपूरथला और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं, बी सही हो जाएगा। 36 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई योजना निर्मित है कहाँ पे? देखिए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई योजना जो है ये निर्मित है कहाँ? बेतवा नदी पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये बेतवा नदी पे है। आगे बढ़ते हैं, 37 हिमालय का विस्तार अराकान यामा किस देश में स्थित है? ये जो है देखिए ये अराकान यामा म्यांमार में है, ये ठीक है, ए हमारा इनमें से एकदम ही सही हो जाएगा। 38 देखते हैं, पीली क्रांति किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है ये बताना है। देखिए पीली क्रांति जो है ना ये तिलहन के उत्पादन से रिलेटेड है, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 39 देखते हैं, भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्य निर्यात नहीं किया जाता है? तो वो उत्पाद जो सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता भारत से वो है देखिए दालें, डी यहाँ हमारा एकदम ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 40 देखते हैं, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कहाँ पे भाई? तो केसर की जो सबसे अधिक मात्रा जो उत्पन्न होती है अगर हम उसकी बात करें, सबसे अधिक मात्रा जो उत्पन्न होती है वो है देखिए कश्मीर में, बी सही हो जाएगा। 41 भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को क्या कहा जाता है या किसे दिया जाता है? देखिए अवशिष्ट अधिकारों को जो है ना ये दिया जाता है संघीय सरकार को, ठीक है, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, सॉरी। 42 देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है ना संसद के किसी भी सदन में आरोपित किया जा सकता है, बट यहाँ पे एक शर्त है, इन पे महाभियोग चलाने से पहले 14 डेज अर्लियर इनको नोटिस दे देना होगा, भाई आप पे हम महाभियोग लगा रहे हैं, मतलब उनको नोटिफाई करना कंपलसरी है। 43 देखते हैं, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शंस देख लेते हैं, चलिए ऑप्शंस हम देख लेते हैं, ऑप्शन है एडवर्ड स्टोन द्वारा, ली कार्बोजियर द्वारा, एडविन लुटियंस द्वारा और तरुण दत्त द्वारा। तो ये कारनामा किया था भाई देखिए एडवर्ड लुटियंस ने, और लगभग दिल्ली जो है ना लुटियंस की दिल्ली कही जाती है, दिल्ली में जितने भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आप देखते हैं, ऐतिहासिक स्मारक देखते हैं, वो लगभग लुटियंस के द्वारा ही तैयार करवाया गया है। 44 देखते हैं, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? देखिए लोकसभा में राज्य जो सीटें आवंटित होती हैं वो होती देखिए जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, ए सही हो जाएगा इनमें से। 45 संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? देखिए कल्याणकारी राज्य का जो संविधान का वो भाग जो आदर्श घोषित करता है वो है भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। 46 भारत के संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो भारत के संविधान में राष्ट्र का उल्लेख जो है ये सिंपल सा कहा गया है, भारत दैट इज इंडिया, मतलब इंडिया दैट इज भारत, यही मतलब भारत तथा इंडिया के नाम से संबोधित करा गया है, ये हमारा सही हो जाएगा। 47 भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? देखिए आर्थिक न्याय का जो उपबंध किया गया है ये उद्देश्य क्या और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय का उपबंध करा गया है, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। 48 भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? देखिए शिक्षा का जो अधिकार है, पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं, 1 अप्रैल 2010 है,
उसके बाद 1 अगस्त 2010 है, 1 अक्टूबर 2010 है और 1 दिसंबर 2010 है। तो ये जो जोड़ा गया, देखिए 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा का अधिकार, 1 अप्रैल 2010 को ये जोड़ दिया गया था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। 49 देखते हैं, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, कितना दिन के अंदर, तो देखिए एकदम 1 माह के अंदर उसके समक्ष रखना एकदम कंपलसरी है, ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए 50 नंबर देखते हैं, उच्च न्यायालय की परामर्श परामदेश जारी करने की शक्ति अंतर्गत आते हैं किसके, तो ये जो है देखिए संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत इनके पास ये अधिकार प्राप्त है, उसके बाद संविधिक अधिकार के तहत भी है और मौलिक अधिकार के तहत भी, यानी कि डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन सभी के तहत उच्च न्यायालय के परामर्श देश जारी करने की शक्ति इसके पास मौजूद है। 51 देखते हैं, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, इसमें जो सही नहीं है वो बात करें तो वो है देखिए इनमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, ये गड़बड़ बात है, ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए 52, भारत के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का आधार क्या है, देखिए भारत के कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ते का जो अधिकार है अगर उसकी हम बात करें वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, बी सही हो जाएगा, भारत के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 53, राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हमें क्या मिलता है, देखिए अनुदान जब हम घटा देंगे तो ऑप्शंस देख लेते हैं, वित्तीय घाटा में मिलेगा, राजकोषीय घाटा मिलेगा, या तो फिर प्राथमिक घाटा मिलेगा या प्रभावी राजस्व घाटा मिलेगा। देखिए जब अनुदान यानी कि जो सब्सिडी दी जाती है उसको घटा देंगे तो यहाँ हमें प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 54, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी, देखिए भारत में कागजी मुद्रा जो है ना ये पहली बार 1862 में करा गया था, कमेंट करके वो बताना है किस गवर्नर जनरल काल में किया गया था, ठीक है। चलिए 55, निम्नलिखित से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, मौद्रिक नीति का यहाँ पे जो उद्देश्य एक नहीं है अगर उसकी बात करें तो वो है आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण, यानी कि सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 56 देखते हैं, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है, देखिए प्लास्टिक मनी जो कहा जाता है इनमें से कहा जाता है देखिए क्रेडिट कार्ड को, ठीक है, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कह के इसको संबोधित किया जाता है। 57, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है, देखिए वो राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा कुपोषण है जिसकी वजह से इसको भारत का इथोपिया कहा जाता है वो है देखिए MP मध्य प्रदेश, बी सही हो जाएगा। 58, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्पेशल इकोनॉमिकल जोन अधिकतम प्रभावी हुआ कब से, देखिए ये जो है अधिकतम प्रभावी हुआ था साल 2006 से, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 59 देखते हैं, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूलन का सहारा लेता है कब, देखिए तो कोई भी देश अपनी मुद्रा का अवमूलन सहारा तब लेता है जब उसमें ऑप्शंस देख लेते हैं, व्यापार से को ठीक करने के लिए, आयातित वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत को ठीक करने के लिए, देश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, उपरोक्त सभी, करेक्ट जो इसमें आंसर हो जाएगा देखिए जब इसको व्यापार से इसको ठीक करना हो, ठीक है, ये हमारा इनमें सही हो जाएगा। 60 देखते हैं, चलिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित किया गया था, देखिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो है ना ये स्थापित किया गया था 1956 में, ए सही हो जाएगा। 61 देखते हैं, सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित ना करने वाली वस्तु कैसी दिखाई देती है, देखिए तो ये जो वस्तुएं हैं ना ये दिखाई देती हैं काली, डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा, राइट। 62, किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसे होता है, तो सड़े हुए अंडे के जैसे जो गैस बदबू देता है वो है देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक, डी हमारा यहाँ एकदम करेक्ट हो जाएगा। 63 देखते हैं, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, तो विश्व का सबसे छोटा अंडा देने वाला जो जीवित पक्षी है उसकी बात करें वो है देखिए हमिंग बर्ड, बी सही हो जाएगा, ठीक। 64, त्रिविम फोटो लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, त्रिविम फोटो यानी कि 3D फोटो की बात हो रही है, ठीक है, तो फोटोग्राफी का यहाँ इस्तेमाल करते हैं या तो फिर यहाँ देखिए होलोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, रेडियोग्राफी का, सोनोग्राफी का, तो इसमें करेक्ट जो आंसर हो जाएगा देखिए होलोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, बी सही हो जाएगा। 65 देखते हैं, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है,
देखिए, एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो मुख्य खनिज का प्रयोग होता है वो है देखिए बॉक्साइट। सी सही हो जाएगा। ठीक, 66 देखते हैं। अल्फा कण के दो घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? देखिए, इसका द्रव्यमान जो है ना हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। चलिए 67 देखते हैं। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, मतलब इसमें कितना लीटर जो है तेल होता है एक बैरल में? तो इसमें लगभग 159 लीटर तेल होता है एक बैरल में। ठीक है, 68, पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्त काल कितना होगा? तो इसका आवर्त काल जो है देखिए अनंत होगा। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का परिधि का परिक्रमण कर रहे उपग्रह के अंदर कोई भी सरल लोलक जो होगा इसका आवर्त काल अनंत होगा, मतलब इन्फिनिटी होगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। 69, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या होता है? देखिए, इसका जो बेसिक जो कारण होता है इसके चमक का वो होता है देखिए उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांकित होना। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 70 देखते हैं। आइए, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज से क्या निकलता है, कौन सा गैस निकलता है? देखिए, प्याज से है ना सल्फेनिक एसिड निकलता है जिससे हमारे आंखों में जलन होती है और फिर हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं। बी करेक्ट हो जाएगा। प्याज से क्या निकलता है? सल्फेनिक एसिड। 71, परमाणु केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा है? देखिए, ये कहा है देखिए बोहर ने। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देता है, ऐसा क्यों? आपने कभी अपने हाथ वात पे स्पिरिट डाला होगा तो एकदम ठंडा ठंडा फील होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, वो इसलिए होता है कि ये अत्यंत वाष्पशील होता है, मतलब ये हाथ पड़ते ही इसका वेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हमें ठंडा ठंडा सा लगता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 73, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? देखिए, इसमें जो ऊर्जा है ना ये ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, बी सही हो जाएगा। जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। 74 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिशीतित द्रव है? ठीक है, अतिशीतित द्रव की अगर हम बात करें जो है वो है देखिए सीसा। सी सही हो जाएगा। ठीक, आते हैं 75 पे। मधुमेह के उपचार हेतु प्राकृत हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? देखिए, इस इंसुलिन का आविष्कार जो किया था ये एफजी बैंटिंग ने किया था। ठीक है, जो ये इंसुलिन इंजेक्शन जो है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफजी बैटिंग ने, जो कि डायबिटीज रोगियों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए 76 देखते हैं। पोलियो का कारण क्या है भाई? देखिए, पोलियो का जो कारण है इसकी अगर हम बात करें तो मेन रीज़न क्या है? तो विषाणु द्वारा पोलियो होता है। ठीक है, बी सही हो जाएगा। 77 देखते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? कौन ऐसा सांप है जो एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है? तो वह देखिए राजनाग, यानी कि किंग कोबरा। बी करेक्ट हो जाएगा। किंग कोबरा इकलौता ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। 78, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो सहसंयोजक यौगिक जो है इनमें से वो है देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। सहसंयोजी योजक कार्बन टेट्राक्लोराइड है। 79, वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, इसमें जो भरने में जो गैस का इस्तेमाल होता है वो हम करते हैं देखिए नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हल्का होता है और जब घर्षण होता है टायरों का धरती के साथ लैंडिंग के समय तो ये गर्म होके फटता नहीं है, जो कि नॉर्मल गैसें फट सकती हैं, जिस वजह से नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। ये हल्का होता है और ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता है। 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा अपूर्त होता है? सोडियम क्रोमेट द्वारा जो अपूर्त होता है, देखिए ऑप्शन देखिए, नीला है, उसके बाद लाल है, हरा है और पीला है। देखिए, सोडियम क्रोमेट के साथ जो अपूर्त होता है वो होता है देखिए लाल रंग। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 81 देखते हैं। हीलियम रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में शीर्ष देश कौन सा रहा है? देखिए, तो ये जो शीर्ष देश रहा है वो है भाई देखिए पाकिस्तान। ए सही हो जाएगा। 82, महिला T20 विश्व कप 2020 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया था? देखिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो घोषित किया गया था वो था देखिए बेथ मनु को। सी सही हो जाएगा। ठीक है,
83 मनरेगा योजना के तहत रोजगार देने में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा? तो वो राज्य जो सबसे ऊपर रहा मनरेगा में रोजगार देने में वो था देखिए छत्तीसगढ़। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 84 देखते हैं, 22 अप्रैल 2020 में नासा ने भारत में प्रदूषण स्तर पिछले कितने वर्ष के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की घोषणा करी है? तो ये सबसे निचले स्तर पर जो पहुंचने की घोषणा करा है ये 20 वर्षों में करा है। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 20 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर प्रदूषण पहुंच गया था। 85 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक सम्मेलन में 2020 की मेजबानी किसने करा था? 2020 की मेजबानी है देखिए ये नीदरलैंड्स ने करा था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन का, ए करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं, देखिए स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा किसने की है? देखिए स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा करा है देखिए सिडबी ने, बी सही हो जाएगा। ठीक है, 87 मई 2020 में किस राज्य ने सेवानिवृत्ति की आयु को 58 से बढ़ाकर 59 कर दिया है? तो ये कारनामा किया देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ठीक है, 58 साल से बढ़ा के रिटायरमेंट एज 59 कर दिया गया तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए 88 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 2020 का थीम क्या था? तो ये जो थीम था देखिए ये क्या था, तो ये था देखिए पीस कीपिंग में महिलाएं शांति की पूंजी। ठीक है, ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 89 देखते हैं, एस एन राजेश्वरी को हाल ही में किसका CMD बनाया गया है? तो एस एन राजेश्वरी को जो CMD बनाया गया है वो देखिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का बनाया गया है, बी सही हो जाएगा। 90 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे गड़बड़ है, गलत है? तो यहाँ जो मिलान गलत है फ्रांसीसी क्रांति 1789 सही है, चीनी क्रांति 1911 सही है, रूसी क्रांति 1917 सही है, यानी कोई भी गड़बड़ नहीं है, डी इनमें से हमारा हो जाएगा कोई भी नहीं। ठीक है, 91 देखते हैं, कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? देखिए कोयला उद्योग का जो राष्ट्रीयकरण की बात करें वो किया गया था 1972 में। ठीक है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 92 देखते हैं, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है? देखिए तो ये जो है ना ये है कानपुर में इस्टेब्लिश्ड, बी सही हो जाएगा, राइट। 93 दस द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है? दस द्वार से सोपान तक, तो ये जो आत्मकथा है वो है बच्चन जी की, सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 94 किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? देखिए रेल बजट को आम बजट से जो अलग किया गया था ये एकवर्थ समिति के सिफारिश पे किया गया था, रेल बजट को आम बजट से अलग, डी सही हो जाएगा। ठीक, 95 भोजपुर भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? देखिए इसके जो रचनाकार हैं वो है भिखारी ठाकुर जी, ए करेक्ट हो जाएगा, विदेशिया के रचनाकार भिखारी ठाकुर। चलिए 96 देखते हैं, बिहार राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बिहार राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करने का जो श्रेय है देखिए ये दिया जाता है मोइनुल हक जी को, इन्हीं के नाम पे पटना में स्टेडियम भी है मोइनुल हक स्टेडियम। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 97 देखते हैं, चलिए संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए ये किया था देखिए जयप्रकाश नारायण जी ने, डी करेक्ट हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया था। 98 देखते हैं, विश्व की प्रसिद्ध रहस्यमयी उपन्यास चंद्रकांता संतति के रचयिता देविकी नंदन खत्री का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जो जन्म है देखिए ये बिहार में ही हुआ था। ठीक है, चंद्रकांता जो आपने सीरियल भी देखा होगा तो ये एक किताब है और इसके रचयिता है देविकी नंदन खत्री। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, इनका जन्म बिहार में हुआ था। 99 देखते हैं, पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई थी कब भाई? तो पटना में जो गांधी संग्रहालय है इसकी स्थापना हुई थी भैया देखिए 1967 में। ठीक है, ए हमारा यहाँ एकदम करेक्ट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 100। ठीक है, 20 मई 2020 को जारी MSME श्रेणी के उद्यम की नई परिभाषा के अनुसार टर्नओवर से संबंधित कौन सा मिलान यहाँ पे गड़बड़ है? देखिए तो यहाँ पे जो गड़बड़ मिलान की बात करें तो पहले तो ये देख लेते हैं, माइक्रो सूक्ष्म उद्यम 5 करोड़ ठीक है, लघु सूक्ष्म उद्यम 50 करोड़ ठीक है, और मीडियम सूक्ष्म उद्यम 250 करोड़ ये भी ठीक है, डी वाला देख लेते हैं तो यही इनमें से कोई भी नहीं, तो यहाँ पे डी ही हमारा हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट तो सही है, गड़बड़ कोई नहीं है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का सेट नंबर 2।
जिसका कट ऑफ था 72 नंबर। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर को हमारे से जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर भी करें और लाइक डेफिनेटली करें। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।